कंगारुओं से लोहा लेने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच गई है और टीम इंडिया के कदम रखते ही अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव पर चले जाएंगे। वहीं रोहित वनडे और T20 को छोड़कर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने कह दिया कि कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित के पास खुद को साबित करने के लिए बड़ा मौका रहेगा। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3-3 वनडे और T20 की सीरीज खेलनी है। 27 नवंबर से वनडे और 4 दिसंबर से T20 सीरीज होनी है। इसके बाद 17 दिसंबर को 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। कोहली के पैटर्निटी लीव पर जाने को लेकर मैकग्रा ने कहा कि उन जैसे क्वालिटी और क्लास प्लेयर के हटने से भारतीय टीम को बड़ा नुकसान होगा। वे मैदान पर दोहरी भूमिका निभाते हैं, एक बल्लेबाज और दूसरे कप्तान के तौर पर मैदान पर ऊर्जा बनाए रखते हैं। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी से ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुई है, ऐसे में हिसाब बराबर करने का मौका है। यानी समझा जा सकता है कि मैकग्रा हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं। पिछली बार भारत ने 2018 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 3-1 से करारी शिकस्त दी थी। तब स्मिथ और वार्नर बॉल टेम्परिंग के चलते प्रतिबंध झेल रहे थे। हालांकि मैकग्रा को भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप से डर लग रहा है। इस बार उन्होंने कहा कि पुजारा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा आसान नहीं होगा। रोहित शर्मा एक क्वालिटी प्लेयर है, उन्होंने खुद को साबित भी किया है। जब कोहली घर लौट जाएंगे तब उनके पास मौका रहेगा। रोहित दिखा सकते हैं कि वो क्या करेंगे। आप टीम इंडिया में एक खिलाड़ी पर फोकस नहीं कर सकते। उनकी बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है, जिसमें पुजारा, राणे और लोकेश राहुल है। यानी देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपना हिसाब बराबर करता है या फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर धूल चटाती है। वैसे भारतीय टीम ने जैसे ही कदम रखा, उससे पहले ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और जिस तरीके से मैकग्रा मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय टीम पर बनाना चाहते हैं, वो चाल उनकी कैसे कामयाब होगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।